नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यूरोपियन सीवी चाहिए, यूरोपास सीवी चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि भैया सीवी बनवा लो, सीवी बनवा लो, 1000 रुपये चार्ज है, 1500 चार्ज है, 1200 चार्ज है, अलग अलग लोगों के अलग अलग चार्जेस हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस यूरोपियन सीवी को आप फ्री में बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये नहीं देना किसी को भी, मुझे भी नहीं देना, और जितने भी यूट्यूबर आपको यूरोपास सीवी बना के दे रहे हैं उनको भी नहीं देना। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा और इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप फ्री में अपना यूरोपास सीवी कवर लेटर बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, europa.eu की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको फ्री में ये ऑप्शन मिलता है, अपना अकाउंट क्रिएट करके आप बढ़िया यूरोपियन फॉर्मेट में अपना सीवी कवर लेटर बना सकते हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी फ्री में सीवी कवर लेटर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फिर से बोलूंगा दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी आपका ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर लेकर चलता हूं और आपको यूरोपास सीवी कवर लेटर बनाने का तरीका बताता हूं, ताकि आप भी यूरोप में जॉब्स अप्लाई कर सकें और यूरोप का वीजा पा सकें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको europa.eu की वेबसाइट पर लेकर आया हूं और यहां पर आपको अपना यूरोपास सीवी कवर लेटर बनाने का तरीका देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, जिसके जरिए आप अपना सीवी कवर लेटर फ्री में बना सकते हैं। जी हाँ, आपको जो है यहां पर सारी की सारी जानकारी मिलेगी। आपको अगर अपना सीवी कवर लेटर बनाना है तो यहां पर आप क्रिएट योर फ्री यूरोपास प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस नए पेज पर जो है आपको रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा या फिर आपको नीचे एक कंटिन्यू एज अ गेस्ट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो हमें कंटिन्यू एज अ गेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहां पर जो है हमें क्रिएट माई प्रोफाइल या फिर अपलोड माई यूरोपास सीवी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहां पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक यूरोपास सीवी पड़ा हुआ है तो आप अपलोड माय यूरोपास सीवी करके उस पे जो है अपना सीवी सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों और उसी सीवी को एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पहली बार इस वेबसाइट से अपना सीवी कवर लेटर बना रहे हैं तो आपको क्रिएट माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको जो है अपना नाम और एड्रेस वगैरह डाल लेना है। अगर आप यहां से डालना चाहते हैं तो यहां से डाल के आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज आप जो है सिर्फ नाम डालने के बाद स्किप ऑल स्टेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ओके वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपकी प्रोफाइल आ चुकी है दोस्तों, और इस प्रोफाइल में जो है अब आपको एक एक करके अपनी सारी जानकारी भरनी है ताकि आपके मतलब टेम्पलेट के हिसाब से आपका सीवी तैयार होते रहे। सबसे पहले बहुत सारे लोग जो है कमेंट में बोलते हैं कि सर मैं फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन फोटो होती नहीं है, फोटो मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाती है, दिक्कत आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फोटो कैसे आती है दोस्तों। यहाँ पर आप फोटो के नीचे वाले ऑप्शन में देख सकते हैं एडिट लिखा हुआ है, एडिट पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फोटो लाइब्रेरी जाएंगे। फोटो लाइब्रेरी में जाने के बाद जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैंने इसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ये मैं अपने फोटो के तौर पर रखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये जो है फोटो है दोस्तों, अब इसको जो है मैं सेट कर लूंगा, सेट करने के बाद ओके कर लूंगा। ओके करने के बाद जो है अब देखते हैं कि क्या ये फोटो सेट हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुली जो है हमारी फोटो सेव हो चुकी है दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी ही फोटो सिलेक्ट करिएगा, मेरी तरह कुछ भी मत सिलेक्ट करिएगा दोस्तों। मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पे सीवी बनाना दिखा रहा हूं, इसीलिए मैं बस आपको वही चीजें दिखाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूं दोस्तों, स्टेप्स दिखाने वाला हूं आपको, मेरे भरी हुई चीजों को कॉपी नहीं करना है। मैं जो चीजें इंक्लूड करने वाला हूं अपने सीवी में वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहां सौरभ आनंद के नीचे आप देख सकते हैं इंग्लिश लिखा हुआ है और यहां पर एक और एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। एडिट वाले ऑप्शन में यहां पर आप मोटो वगैरह डाल सकते हैं, अपना आपका मोटो क्या है जिंदगी का, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप जो है समरी डाल सकते हैं कि आप क्या है, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप कितने साल का काम कर रखे हैं, मतलब अपना जॉब समरी भी डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस समरी भी डाल सकते हैं या फिर एक ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ आपको डालना ही है, ठीक है, ऑप्शनल चीज़ें हैं ये। जेंडर आप मेल फीमेल अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेशनैलिटी में आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, जैसे आप इंडिया से तो इंडियन, नेपाल से तो नेपालीज, उसके बाद पाकिस्तान से है तो पाकिस्तानी, उस तरीके से आपको सिलेक्ट करनी है। ईमेल एड्रेस में जो है आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है दोस्तों। ईमेल एड्रेस अगर अपना सही नहीं डालेंगे आप तो आपको जो है रिस्पॉन्स भी सही नहीं आएगा, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ईमेल एड्रेस डाल दिया है, मैं कुछ कुछ चीज़ें भर दूंगा दोस्तों ताकि बिल्कुल ही सीवी खाली ना रहे, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर में जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास 3-4 फ़ोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन होता है दोस्तों। आप होम नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्क नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपने होम डाला और होम डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर कंट्री कोड डालना होगा दोस्तों। सबसे पहले कंट्री कोड डाल देंगे, 9191 हमारा इंडिया का कंट्री कोड है दोस्तों, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो है हम अपना नंबर डाल देंगे। अभी मैं कोई भी रैंडम एक नंबर डाल देता हूँ,
ये मैंने एक नंबर डाल दिया दोस्तों। अब इसके अलावा हमारे पास एक और नंबर है, आप वो नंबर भी यूज़ करते हैं तो आप ऐड कर लेंगे। ऐड वाला ऑप्शन आपको नंबर के नीचे ही देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ जो है मोबाइल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम फिर से कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद जो है हम फिर से एक नंबर डाल देंगे दोस्तों, जो कि हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर डाल दिया हमने। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगा सकते हो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अब से लिंक्डइन वगैरह की जो है लिंक लगा सकते हो दोस्तों। अब यहाँ लिंक्डइन लगा दिया, लिंक्डइन का लिंक जो है आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा दोस्तों। यहाँ पर अपना लिंक्डइन का लिंक कॉपी कीजिए और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर लिंक लगाना ही पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम वगैरह भी लगा सकते हो, और अगर आपका यूट्यूब चैनल वगैरह है तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग में आप व्हाट्सएप, वी चैट, लाइन, वाइबर वगैरह जो है नंबर ऐड कर सकते हो दोस्तों, ताकि आपको जो है तुरंत कनेक्ट किया जा सके। तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेंजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है अपना व्हाट्सएप मैसेंजर का लिंक लगा सकते हो या फिर अपना नंबर डाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। उसके बाद आप जो है वेबसाइट डाल सकते हो दोस्तों, अगर आपकी कोई वेबसाइट है। अदरवाइज यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल सकते हो, होम एड्रेस डालना है आपको, और यहाँ पर जो वो चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है वो इंक्लूड करने के बाद ये कंट्री वाला ऑप्शन खाली मत छोड़िएगा दोस्तों। कंट्री में आपको इंडिया डालना ही डालना है, अदरवाइज आपका जो है ये एड्रेस सेव नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी हमें डाल लेनी है। सोशल मीडिया वाला ऑप्शन जो है हमने खाली छोड़ दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तो इसको हमें भरना ही पड़ेगा दोस्तों, अदरवाइज ये जो है हमारा सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको जो है कुछ भी एक अदर कर लेता हूँ। अदर करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ भी एक लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एक लिंक डाल देता हूँ, लिंक होना चाहिए जैसे कि ये बोल रहे हैं, तो यहाँ .com कर देता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि बस ये मेरा सेव हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्योंकि सिलेक्ट किया था उस ऑप्शन को, तो वहाँ पर जो है मेरे को भरना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है मेरे इसमें सेव हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है, जिसमें हमें अपनी वर्क एक्सपीरियंस मतलब डालनी होती है, हिस्ट्री डालनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर या तो आप हाइड इस सेक्शन को हाइड कर सकते हैं दोस्तों, या फिर ऐड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐड इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपको ऑक्यूपेशन डालना होगा कि आपने काम क्या किया है। सपोज आपने क्लीनर का काम किया है तो क्लीनर का काम आपको लिख देना है यहाँ पर, व्हीकल क्लीनर, विंडो क्लीनर, सेवरेज क्लीनर। अब इतने सारे जो है आपके सामने वो आ जाएंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे सजेशंस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर सिंपल क्लीनर डाल करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या था आपका, ABC कंपनी, ABC था कंपनी का नाम। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ABC लिमिटेड, तो कंपनी का नाम डाल देंगे। कंपनी कौन से शहर में थी वो डाल देंगे। अब जैसे दिल्ली में थी ये कंपनी, तो दिल्ली का नाम डाल दिया हमने। इंडिया डाल देंगे ज़रूर, क्योंकि ये ज़रूरी है कि कौन सी कंट्री की कंपनी थी, कहाँ पर आपने काम किया है। ठीक है, कब से कब तक काम किया है। अब हमने 2019 से लेकर के अभी तक हम काम कर रहे हैं, तो 5 साल का एक्सपीरियंस हमारा हो गया दोस्तों। तो अभी काम करने के लिए हमें जो है ऑनगोइंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ताकि ये करेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों हमें अपने जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालनी है। जो क्लीनर का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना दोस्तों, जो जॉब के अंडर आपको देखने के लिए मिलता है, वो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी जॉब को ओपन कीजिए, वहाँ पर जो क्लीनर का जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसमें कुछ थोड़े थोड़े ट्विकिंग करके, यानी कि चेंजेस करके जो है आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपका जो है यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों। सेव करने के बाद देख सकते हैं हमारा एक वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर सेव हो चुका है। उसके बाद एजुकेशन वाला ऑप्शन होता है दोस्तों। एजुकेशन में भी आप अपना यहाँ पर 10th 12th डाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड, अब क्या टाइटल है आपने, मतलब क्या मतलब डिग्री ली है, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 10th पास की है, कहाँ से किया है, अगर आपको स्कूल का नाम याद नहीं है तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने बिहार सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड से किया है, तो BSE भी डाल देंगे। वैसे तो हम फुल लिखते हैं क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको जो है बस समझा रहा हूँ दोस्तों कि क्या है क्या नहीं है। सपोज पटना से की है मैंने, तो पटना डाल दिया यहाँ पर। कंट्री क्या है, कंट्री इंडिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी हमने डाल दी यहाँ पर। डालने के बाद जो है आप देख सकते हैं सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद हम आगे एक तरफ बढ़ सकते हैं। कब हमने जो है क्लासेस कंप्लीट की थी अपनी, कब हमने डिग्री ली थी, तो वो हम डाल देंगे दोस्तों। 2019 हमने चालू किया था 2018 में, तो इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। अब देख सकते हैं हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग में यहाँ पर भी एक ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पर जो है जानकारी भरी जा चुकी है। तो इसी तरीके से एक और आप जानकारी डाल सकते हैं, उसी के नीचे आपको ऐड और करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर ऐड कर करके जो है आप अपने सारे क्वालिफिकेशन वगैरह डाल सकते हैं और अपने सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज स्किल्स का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर ऐड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। लैंग्वेज में जो है आप यहाँ पर मदर टंग डाल सकते हैं, जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी डाला हमने, हिंदी सिलेक्ट कर लिया। अदर लैंग्वेजेस में मेरे को अरबी आती है और इंग्लिश आती है, तो यहाँ पर मैंने
इंग्लिश लिख लिया है दोस्तों। इंग्लिश लिखने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर लेवल्स पूछे जा रहे हैं कि क्या लेवल है, कितनी आती है, कितनी नहीं आती है। तो A1 A2 जो है बेसिक लेवल होता है, B1 B2 जो है इंडिपेंडेंट लेवल होता है, यानी कि आप समझ सकते हो, समझा सकते हो, और C1 C2 जो है प्रोफिशिएंट लेवल होता है, एकदम प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, तो आपको जितनी लेवल की अंग्रेजी आती है समझ सकते हो, सुन सकते हो, उस हिसाब से जो है आपको जो है यहाँ पर लेवल सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके लैंग्वेजेस को जज किया जाए और आपका जो है मतलब एम्प्लॉयर देख करके समझ सके कि मतलब आपको कितनी अंग्रेजी आती है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। ये चीज़ें आपको अपनी तरफ से करना है, आपको जितनी अंग्रेजी आती है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। गलत चीज़ें मत भरिएगा अपने CV कवर लेटर में, जो चीज़ें आपने एक्चुअली की है, जिन चीज़ों का आपके पास प्रूफ है दोस्तों, वही सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिएगा, ताकि आपको जो है मतलब आगे जाकर के कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, डिजिटल स्किल्स में आप जो है डिजिटल स्किल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल स्किल्स वाले ऑप्शन पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप जो है सर्च कर सकते हैं, जैसे MS ऑफिस हमको चलाना आता है, ठीक है, या फिर MS वर्ड, जो भी एक पर्टिकुलर कोई चीज़ भी चलानी आती है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन मिलेगा तो इसको हम जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन में दिक्कत होती है दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप करने में, वैसे आप चाहे तो इसको लैपटॉप से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये जो है ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर की तरफ कर दिया जाता है। अगर आप इतने आसानी से करना चाहेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप और सर्च कर सकते हैं, सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ऐसे डायरेक्ट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ऐड करके आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में दिक्कत आ रही है तो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने सर्च किया कि मेरे को जो है टैली आती है, टैली आती है, तो मेरे को टैली के लिए जो है मैंने टैली ऐड कर दिया। बस ऐड पर क्लिक करेंगे और जो भी हम लिखेंगे दोस्तों वो सारी की सारी जानकारी जो यहाँ पर ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर देंगे इसको, सेव करने के बाद हमारे डिजिटल स्किल्स भी ऐड हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर सारी की सारी जानकारी जो है हमने ऑलमोस्ट ऐड कर दी है दोस्तों। लेकिन CV में सिर्फ इतनी चीज़ें तो होती नहीं है, CV में और सारी चीज़ें होती है, जैसे अचीवमेंट्स होते हैं, हॉबीज़ होती है, स्किल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ऐड न्यू सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन में जो है आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स आपने जो अटेंड किए होंगे, क्रिएटिव वर्क अगर आपने कुछ किया है तो वो आप डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स जो है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो है, पब्लिकेशन, रिकमेंडेशन, वॉलंटियरिंग अगर आपने कुछ की है, और अदर सेक्शंस भी आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये सारे के सारे सेक्शंस आपके सामने ऐड करने के लिए आ जाते हैं। सपोज आपको ड्राइविंग लाइसेंस का सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन से लाइसेंस है आपके पास, मोटर बाइक में आपके पास कौन कौन सा लाइसेंस है, तो आप जो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, और उसके बाद जो है आपकी ये सारी की सारी डिटेल्स आपके CV में आ जाएगी दोस्तों। अब हमें जो है CE लाइसेंस है हमारे पास, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितने मतलब हैवी गाड़ी चला सकते हैं, साथ ही इसमें जो है डिटेल्स वगैरह भी बताई जा रही है कि कौन से लाइसेंस में आप कितनी हैवी गाड़ी लगा सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, वो सारी जानकारी आप डाल सकते हैं। आपका जो है यहाँ पर आप डेट्स भी डाल सकते हैं कि कब से कब तक वैलिड है आपके यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का डेट्स डालने का ऑप्शन आता है दोस्तों, ये डालना चाहे तो वो डिटेल्स डाल सकते हैं। तो सारी की सारी जानकारी डालने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप अलग अलग सेक्शंस ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपना CV जो है क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत आसान सा प्रोसेस है, आपको जो है मैं बता दूं, ये हमारी प्रोफाइल जब क्रिएट हो जाती है तो हमें सबसे ऊपर की तरफ आना होता है, हमें जो है यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एग्जिट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है आपको यहाँ पर क्रिएट अ CV, क्रिएट अ कवर लेटर, माई एप्लीकेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम जो है यहाँ पर क्रिएट अ CV वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्रिएट अ CV वाला ऑप्शन आ गया, अब यहाँ पर चार ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, क्रिएट न्यू CV या फिर स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। अब क्योंकि हमने विदाउट अकाउंट बनाए हुए यहाँ पर स्टार्ट मतलब अपना प्रोफाइल क्रिएट किया है, तो हम स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल आ चुकी है दोस्तों, तो हम यहाँ जो है सिलेक्ट इंटायर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऊपर जो हमें ऑप्शन देखने के लिए मिला है उस पर क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों हमारी सारी की सारी प्रोफाइल जो है सिलेक्ट हो चुकी है, मतलब जो भी हमने जानकारी डाली है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नो थैंक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जो है चार फॉर्मेट आ जाएंगे दोस्तों, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऑफिशियल चार फॉर्मेट है। यही चार फॉर्मेट जो है यूरोपास वेबसाइट देती है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट अगर आपको दिया जा रहा है किसी के भी जरिए तो वो आपको जो है लूटने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको अपना यूरोपास का लोगो नहीं चाहिए CV में तो आप यहां से हटा भी सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, नो कर सकते हैं, फर्स्ट पेज ओनली कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो है आपका जो है CV नीचे की तरफ जो है तैयार होता रहेगा दोस्तों। देख सकते हैं यहां जो मैंने चीज़ें ऐड की थी वो मेरे फॉर्मेट में जो है सेव हो गए हैं और मेरा टेम्पलेट जो है पूरा सेव हो चुका है दोस्तों। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा फाइनल स्टेप आएगा हमारे सामने, जिसमें जो है हमें अपना CV तैयार कर लेना है, CV डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। यहां पर हमें अपने CV के लिए नाम सेलेक्ट करना है। अब जैसे हमारा CV जो है
मतलब मेरे नाम पे है, तो मैंने अपना सौरभ नाम डाल दिया यहाँ पर, और डाउनलोड वाला ऑप्शन जो है क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए जो है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा CV और ये जो है मेरा CV बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मेरा CV बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर मैंने बहुत कम डिटेल्स डाली हैं क्योंकि मुझे बस आपको जानकारी देनी थी दोस्तों। अगर आपको अपने लिए CV बनाना है तो आप अपने लिए बहुत आसानी से ये CV बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जानकारी सही तरीके से डालिएगा। जानकारी अगर आप गलत डालोगे तो आपको जो है दिक्कत आने वाली है। जानकारी सारी की सारी सही होनी चाहिए, तभी जो है दोस्तों आपको रिस्पॉन्स भी आएगा और तभी आपको जो है मतलब जॉब भी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है CV बनाने का। यहाँ पर आप फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका जो है यहाँ पर आप मेन वापस आ जाएंगे। यहाँ पर क्रिएट कवर लेटर का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, कवर लेटर भी आप इजीली बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको क्रिएट न्यू कवर लेटर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू कवर लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है जो आपने CV में अपनी डिटेल्स डाली होंगी, आधी से ज़्यादा डिटेल्स जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो है पुट रहती है दोस्तों। आप देख सकते हैं आपका नाम, एड्रेस वगैरह, आपका नंबर वगैरह जो है ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ रहेगा दोस्तों। सेव कर सकते हैं। कंटेंट वगैरह में जो है आपको बाकी की सारी चीज़ें डालनी होंगी। यहाँ पर आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट पोजीशन ऑफ क्लीनर, तो क्लीनर की पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको जो है सेव कर लेना है। उसके बाद जो है आगे की तरफ बढ़ जाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो बॉडी वाला ऑप्शन आता है, बॉडी वाले ऑप्शन में जो है आपको अपनी जानकारी डालनी होगी कि कितना आप काम करते हैं, कितना आप काम कर सकते हैं और कितना आप काम कर चुके हैं। मतलब आपको जो है अपनी वर्थ प्रूफ करनी है दोस्तों इस कवर लेटर में, ताकि जो है कवर लेटर पढ़ के मतलब थोड़ा इंटरेस्ट जग जाए एम्प्लॉयर के अंदर और एम्प्लॉयर जो है आपको जॉब ऑफर कर दे दोस्तों। तो कवर लेटर में अपनी सारी की सारी जानकारी अच्छी तरीके से डालनी है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये प्रोसेस समझ में आ चुका है दोस्तों, और ये सारी की सारी जानकारी जो है मैंने आपको अपने मोबाइल फ़ोन से दी है। बस अपने वेबसाइट को जो है डेस्कटॉप साइट पर बदल दीजिएगा अगर आपको ज़रा से भी दिक्कत आए, ठीक है। या फिर आप जो है इस तरीके से लैंडस्केप मोड में अपना CV कवर लेटर बना सकते हैं अपने फ़ोन में ही। देखा दोस्तों कितना आसान है ये यूरोप का CV बनाना। आपको मैंने बताया था कि भैया आपको किसी को ₹1 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, अपने लिए CV का लेटर बना सकते हैं। अगर फिर भी नहीं बना पा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना CV का लेटर हमसे बनवा सकते हैं। हमारा चार्ज जो है ₹1500 दोस्तों, लेकिन ₹1500 में सिर्फ आपका CV का लेटर बना के नहीं देंगे, बल्कि आपसे बात भी करेंगे, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है वो सारी की सारी जानकारी देंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों कि आपको कौन से जॉब के लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप बात करना चाहते हैं, CV कवर लेटर बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज कीजिए। और हां, जॉब और वीजा के लिए मैसेज मत कीजिएगा क्योंकि हम जॉब और वीजा नहीं देते हैं। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। कोई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।